भाजपा कार्यालय और भाजपा नेताओं विधायकों पर हुए हमले के बाद भड़की बीजेपी ने प्रशासन से सवाल किया। संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी को टारगेट किया जा रहा है, प्रशासन की भूमिका सवालों के घेरे में है। बीजेपी ने जेडीयू और एनडीए सहित अन्य विपक्षी दलों का नाम लिए बिना कहा कि आपको अग्निपथ पर कहां ऐतराज है आकर बताइए। उन्होंने कहा कि नवादा सहित कई जिलों में भाजपा कार्यालय में तोड़ पुलिस के सामने की गई। पुलिस की मौजूदगी में भाजपा के परिसरों को निशाना बनाया गया। जायसवाल ने कहा कि अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव रहती तो जिस तरह की हिंसा बिहार में हुई है वह नहीं होती। वो आकर के बात करेंगे, जरूर कन्विंस करेंगे। किस चीज पर ऐतराज है ये तो बताएं। जिसको भी ऐतराज है वह किस चीज पर ऐतराज है आके बताए कि नहीं इस योजना में यह परिवर्तन होना चाहिए। निश्चित तौर पर हम उसकी चर्चा करेंगे और उसकी चिंता करेंगे, लेकिन आप ऐतराज नहीं बताइएगा। आप बताइए कि इसमें ये एक पहला क्लॉज गलत है, ये पांचवा क्लॉज गलत है। जब जितनी बहालियां सैनिकों की होनी थी, अंदर तो ये एक ही है कि पहले आप परीक्षा देते थे, परीक्षा में अगर 1,00,000 में से 10,000 पास करते थे, 10,000 रहते थे, 90,000 रोड पर आ जाते थे। अभी क्या होगा कि 1,00,000 में 40,000, 10,000 के बदले 40,000 लोग आएंगे और 30,000 को एक 4 सालों में 48,00,000 रुपए मिलने के साथ उसको पूरे के पूरे तौर पे स्किल होगी। आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप टैंक चलाने लगे, आर्मी का मतलब यह नहीं होता है कि आप हवाई जहाज चलाने लगेगा, एयरफोर्स का मतलब। इसमें कितने लोग मैकेनिकल में जाएंगे, कितने लोग इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, कितने लोग विभिन्न जगहों पर जाएंगे। जिस जगह पर उनकी को जॉब मिलेगा वो 4 साल की उसकी स्किलिंग होगी, उसका स्किल डेवलपमेंट से उसको सर्टिफिकेट मिलेगा और 4 साल की आर्मी ट्रेनिंग के बाद वह जवान इतना अच्छा रहेगा कि हिंदुस्तान का हर उद्योग उसको लेने को बेकरार रहेगा। तो ये एक अच्छी योजना है। शासन से इतनी हमें ज़रूर उम्मीद है कि जिस तरह से टारगेट करके भाजपा को टारगेट किया जा रहा है, यह सरासर शासन की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है और यह बहुत ही गलत बात है। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। मैं आपको 3 वीडियो आप ही के टीवी चैनल्स के हैं, मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ज़रा उसको ऑन करो तो 3 वीडियो आप देखिए। मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ कहने की होगी। आप ही में से किसी चैनल का 3 वीडियो है तो ये आप एक बार देख लीजिए। जाहिर बात है हिंदुस्तान में कहीं नहीं हुआ है और किसी जगह जहां बंगाल हो, झारखंड हो, जहां हमारी सरकारें नहीं हैं वहां भी अगर इस तरह की घटना नहीं घट रही है तो ये एक गहरी साजिश है और प्रशासन को हर हालत में इस साजिश को खोलना होगा कि क्यों ऐसे हो रहा। एक मिनट ये देख लीजिए क्या हुआ। बिल्कुल बिल्कुल है और हम लोगों ने बात किया, मैंने गृह सचिव से भी बात किया है, DGP से भी बात किया है, मुख्यमंत्री जी के सामने हम लोगों ने रखा। उप मुख्यमंत्री वो बात करेंगे, एक संगठन के अध्यक्ष के तौर पे मैंने गृह सचिव और DGP दोनों से बात किया। फायर ब्रिगेड को फोन किया गया कि आप आके आग बुझाइए तो वो कहता है कि SDO बोलेगा तभी फायर ब्रिगेड आएगी। देखिए विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने कर रहा और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बनकर के बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है। तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ और इस तरह की घटनाएँ हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।